गिरफ्तार हरि की तलाश कर रही पुलिस को देव प्रकाश मधुकर मिल गया। यूपी में मधुकर को खोज रही पुलिस ने उस पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया था, लेकिन मधुकर मिला तो कहां, दिल्ली में। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक मधुकर मुख्य ऑर्गेनाइजर था जिसके ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम था। इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मधुकर को किसी अस्पताल से नहीं पकड़ा गया बल्कि छापेमारी करके दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी की गई। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए मधुकर की लोकेशन ट्रैक की गई। अब जहां पुलिस देव प्रकाश को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, वहीं बाबा के वकील एपी सिंह का कहना है कि देव प्रकाश ने सरेंडर किया है। जो FIR में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, पुलिस को, SIT को और STF को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। तो हाथरस में 123 लोगों की मौत का जिम्मेदार बाबा साकार हरी बहुत जल्द गिरफ्त में होगा पुलिस की। उस पर शिकंजा कसने की तैयारी लगातार हो रही है। खबर तो ये भी आई है कि बाबा की जो करंट लोकेशन है वो मिल गई है और दावा ये हो रहा है कि बाबा मैनपुरी में बने अपने आश्रम में छिपा बैठा है। कहां है नारायण साकार हरी, ये सवाल इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाबा साकार हरी मैनपुरी के आश्रम में ही आराम फरमा रहा है। मैनपुरी का ये वही आश्रम है जहां 2 जुलाई को बाबा पहुंचा था। 2 जुलाई को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक बाबा की लोकेशन इसी मैनपुरी के आश्रम में मिली थी, लेकिन शाम 4:30 बजे के बाद से बाबा का फोन स्विच ऑफ हो गया और बाबा का कहीं अता पता नहीं चला। लेकिन अब इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि बाबा हो न हो मैनपुरी के इसी आश्रम में है और उसे बचाने की कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर बाबा आश्रम में नहीं है तो फिर मैनपुरी आश्रम के बाहर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स क्यों लगाई गई है? दूसरा सवाल ये कि अगर आश्रम में कोई नहीं है तो मैनपुरी पुलिस किसे सुरक्षा दे रही है? तीसरा सवाल ये कि आश्रम के अंदर मीडिया कर्मियों को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? एक तरफ तमाम सवाल है तो वहीं दूसरी तरफ जारी है बाबा साकार हरी की तलाश, जो खुद को परमात्मा बताता है लेकिन 123 लोगों की मौत के बाद से अंडरग्राउंड। तो मामला धूल पकड़ रहा लगातार और इसीलिए जो बाबा की मुश्किलें है वो भी बढ़ रही है। सत्संग में अगर बात करें तो मची भगदड़ के बाद से जो SIT है उसने शासन को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। SIT ने योगी सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है वो रिपोर्ट करीब 250 पन्नों से ज्यादा की। इस रिपोर्ट में 130 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं जो भगदड़ के समय वहां मौजूद। इस रिपोर्ट में हादसे के कारण जैसे लापरवाही और अनदेखी का जिक्र है। वहीं जांच के रिपोर्ट में बाबा के पाखंड और सेवादारों की भूमिका के बारे में भी जिक्र है। वहीं रिपोर्ट में सत्संग के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहे पुलिस कर्मियों की भूमिका का भी जिक्र किया गया। SIT की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि दलदली जमीन पर पूरे आयोजन को कराया गया था। इसके साथ साथ सेवादारों की भूमिका भी रिपोर्ट में बताई गई है। ये जांच रिपोर्ट ADG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में बनाई गई है और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही बाबा के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो नीट पेपर लीक केस में पुलिस को झारखंड की एक और सफलता झारखंड से मिली। पुलिस ने दरअसल धनबाद के झरिया से अमित सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस से लेकर CBI तक लगातार जांच कर रही है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र से लगातार इस पेपर लीक की एक एक गांठे खुल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक CBI ने धनबाद के झरिया में अमित सिंह उर्फ बंटी को पकड़ा है। तलाश के दौरान पुलिस को 6 बैंक खाते और जमीन के कागजात, साथ ही 5 मोबाइल फोन मिले हैं। अब CBI बंटी को पटना ला रही है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। अमन सिंह के बाद धनबाद से नीट मामले में CBI की बड़ी उपलब्धि है। अमन सिंह की निशानदेही पर CBI ने बंटी को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक केस में महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में पहले ही कार्रवाई चल रही है तो दूसरी ओर झारखंड में अब तक 2 मुख्य गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें से एक अमन है और दूसरा बंटी। उधर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले की सुनवाई में EOU से जांच रिपोर्ट देने को कहा था। EOU के ADG जांच रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के लिए गुरुवार को रवाना हुए थे। CBI जांच शुरू होने से पहले बिहार सरकार ने नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में जांच। Z News.